हाई यू ऑल, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग गाइस। आज मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के पास आई हूँ। सो मैं बहुत कम वीडियो अपलोड किया करती हूँ, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। सो आज मैं नामरूप जाने वाली हूँ, दैट मीन्स तिनसुकिया टू नामरूप। गाइस जाने का कोई प्लान था ही नहीं, सो सडनली प्लान बन गया। सो मैं इसीलिए मैं इंट्रो जो शूट नहीं कर पाई उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, माफ़ी कर देना फ्रेंड्स। और मैं आज जाने वाली हूँ अपनी ननद की बेटे की राइस सेरेमनी पे। गाइस जिन्हें ये बात नहीं पता कि राइस सेरेमनी का मतलब क्या होता है, तो मैं बता दूँ, आज के बाद ही बच्चे मतलब जो बेबी है वो राइस रोटी वगैरह खाएगा, खिचड़ी वगैरह। सो आप भी मेरे साथ इस वीडियो में एंजॉय करें, बहुत अच्छा लगेगा। और एक बात कह रही थी गाइस आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग वीडियो देखते ज़रूर हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, एक लाइक और सब्सक्राइब करना बनता है फ्रेंड्स। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हाँ, आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ, कहाँ कहाँ जाने वाली हूँ, ये जो सारी चीज़ें हैं मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी वीडियो में, आगे ज़रूर बने रहना। आज का वीडियो आप लोगों को डेफिनेटली बहुत अच्छा लगने वाला है। तो चलिए चलते हैं, आगे क्या होगा देखते हैं। आई डोंट नो वाई आज का वेदर सुबह से ही बहुत ही ख़राब था, उसी की वजह से मेरा जाने का कोई भी प्लान नहीं था, क्योंकि हर्षी मेरे साथ जाएगी और वेदर ख़राब होने की वजह से उसे कहीं ठंड ना लग जाए, मैं इसी की वजह से नहीं जाने वाली थी। पर उसकी दादी बहुत ही बुरा फील कर रही थी, उसी की वजह से मुझे जाना पड़ा। और मम्मी जी लोग तो मुझे छोड़कर चले ही गए थे स्टेशन, फिर मैं और हर्षी जाके नेक्स्ट स्टेशन पे उन लोगों को मैंने ज्वाइन किया। सो बहुत ही अच्छा लगा, फन भी लगा, डर भी लग रहा था कि ठंड ना लग जाए। मैं तो हमेशा विंडो सीट पर ही बैठा करती हूँ बिकॉज आई लव इट, और मैं यहाँ बैठ के बहुत इन्जॉय करती हूँ। और यहाँ हर्षी अपने दादाजी के साथ बैठी है, साथ में दादी बैठी है और उसके साथ में बुआ दादी बैठी है। सो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आज जिस ननद के घर मैं जा रही हूं उसके घर में फर्स्ट टाइम जा रही हूं, क्योंकि इससे पहले मैं नहीं गई हूं और इनफैक्ट मैं उसकी शादी में भी नहीं आ पाई थी, तो उसकी वजह से मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था। पर कोई नहीं, आज मैं जाऊंगी उसके घर और देखूंगी उसके घर। मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जाने वाली हूँ। सो मुझे अच्छा भी लग रहा है और बहुत एक्साइटमेंट भी है, पता नहीं क्या होगा, बाहर का मौसम बहुत ख़राब है। सो अंशु भी मेरे साथ ही जा रहा है, और आप लोग तो अंशु को जानते ही होंगे, मुझे नया से कुछ इंट्रो कराने की ज़रूरत है नहीं। और जो जो नहीं जानते उन्हों मैं बता दूं कि अंशु मेरा भांजा है। सो ये भी जा रहा है और मौसम बहुत ही बुरा है, हम लोग को ठंड लग रही है, लेकिन वो मतलब जैकेट लेकर भी नहीं पहन रहा था, उसी की वजह से हम सभी उसे बहुत ही डांट रहे थे, लेकिन वो मतलब उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठंड लगे तो लगे। फाइनली हम पहुंच चुके स्टेशन, अभी बज रहे हैं सुबह के 9। सो हम पहुंच चुके हैं और बाहर बहुत धुआंधार बारिश हो रही है। सो हमें कार लेने आएगी तो हम सभी कार का वेट कर रहे हैं, अदरवाइज़ हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि घर दूर है, जाने में 15-20 मिनट लग जाएगा। और स्टेशन आने के बाद हम लोगों को और भी लोगों ने ज्वाइन की, क्योंकि वो लोग भी तिनसुकिया से थे और वो लोग भी इस प्रोग्राम में जाने वाले थे। और यहाँ हर्षी भी बोर हो रही थी, वो मुझसे बार बार यही कह रही थी कि मम्मी हम बेबी के पास कब जाएंगे, पर हमें कार का वेट करना ही था, अदरवाइज़ हमारे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं, तो हम क्या करें।
मौसम का जो हालत है वो आप लोग देख ही चुके हैं, बहुत ही बुरा है और रास्ता भी बहुत बुरा है फ्रेंड्स। मतलब हमें कार में भी बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन कोई नहीं, एक दिन तो बनता है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ उसके घर, बहुत ही एक्साइटमेंट भी है। लेकिन अगर वेदर थोड़ा अच्छा होता तो और भी अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं, चलो अब आ गए तो आ गए। सो हम जाएंगे अभी, देखेंगे, और यहाँ से हमें, स्टेशन से हमें 15 मिनट लगने वाले हैं उसके घर जाने में। और चलिए, हम जाने के बाद वहाँ का जो व्यू है मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, आप भी मेरे साथ ये जो राइस सेरेमनी है आप भी एन्जॉय करना। तो चलिए चलते हैं। फाइनली हम पहुंच गए और अंशु मुझसे पहले ही आकर यहां खड़ा है। कोई बात नहीं गाइस, चलो अंदर चलते हैं और अंदर का व्यू मैं आप लोगों को दिखाती हूं। चलो बसो की जाओ। आई होप आप लोगों को अंदर का व्यू बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे भी अच्छा लगा। तो चलिए हम अब घर पे एंटर करते हैं। मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। सो चलिए देखते हैं। पता नहीं रिया कहाँ होगी। ओ सॉरी, रिया कौन है मैं आप लोगों को बताना भूल गई। रिया वही है मेरी ननद, जिनकी बेटी के राइस सेरेमनी पे हम लोग आए हैं। आई थिंक वो बहुत बिजी होगी क्योंकि आज तो प्रोग्राम है तो बिजी होगी ही। यहाँ हम सुबह 9:30 आके पहुँचे हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट की। सो हम सोच रहे थे कि हम बाहर जाकर कहीं घूम कर आए, लेकिन बाहर का मौसम बहुत ही ख़राब था, रास्ता वगैरह पानी से भरा था तो जा नहीं पा रहे थे। बारिश की वजह से हम बैठे थे कि बारिश रुके और हम कहीं घूमने इधर उधर जाए, तो हम बारिश रुकने का वेट कर रहे हैं। अगर बारिश रुक गई तो मैं जाऊंगी और आप लोगों से भी मैं शेयर करूंगी। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। अगर रुक गई तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। लगता है बारिश बाहर रुक गई है, तो चलिए थोड़ा घूम फिर कर आते हैं। और बारिश रुकने के बाद मैं और अंशु थोड़ा सैर पर निकल गए थे और वहाँ पे हम लोगों ने पिक्चर उक्चर क्लिक की, क्योंकि आप देख ही रहे हो व्यू कितना खूबसूरत है। सो पीछे बहुत सारे बैम्बो ट्रीज़ है जो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, और अंशु भी पीछे पीछे आ रहा है। और रास्ते वगैरह का जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है, पानी से भर चुका है, पूरा कीचड़ हो रखा है। तो चलिए चलते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि यहाँ रास्ते कीचड़ से भरे हैं, तो जो भी हो यहाँ का व्यू मुझे अच्छा लग रहा था, उसी की वजह से मैं और अंशु यहाँ घूम फिर रहे थे। और मैंने यहाँ एक चीज़ फॉलो की है, यहाँ एक घर अगर यहाँ है तो दूसरा बहुत दूर है,
पता नहीं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। सो जो भी हो, हर्षी भी दादाजी के साथ यहाँ घूम रही है और यहाँ का व्यू खूबसूरत है। डार्कलिंग वगैरह देखकर वो बहुत खुश हो रही है क्योंकि ये सब वो फोन्स में देखती है, टीवी पे देखती है, लाइव आज फर्स्ट टाइम देख रही है, तो बहुत ज़्यादा खुश है वो। तो उसकी खुशी देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। अदरवाइज़ मैं उसकी माँ हूँ तो मुझे तो खुशी होगी ही। सो लगता है अंदर प्रोग्राम भी स्टार्ट हो चुका होगा और मैं और अंशु हर्षी यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं। सो हम अंदर जाते हैं और चलिए देखते हैं क्या नियम वगैरह होगा। जिन्हें नहीं पता कि राइस सेरेमनी का मतलब क्या है, उन्हें मैं बता दूं कि यहाँ जो आप खाना देख रहे हो वो वहाँ से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाना लेकर के बेबी को खिलाया जाएगा। सिर्फ नियम किया जाएगा क्योंकि बेबी अभी नहीं खा सकता क्योंकि उसके दांत नहीं उगे हैं। सो आज के बाद ही वो खिचड़ी वगैरह जैसे कि बेबी फूड होता है वो खाएगा और बेबी बहुत ही एक्साइटेड होता है क्योंकि दूध के बाद उसके वो जो ये खाना खाता है मतलब सॉल्टी, स्पाइसी, टैंगी, स्वीट्स, तो वो बहुत ही एक्साइटेड होता है ये सारी जो चीज़ें हैं वो टेस्ट करने में। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं बेबी बहुत ही एक्साइटेड है ये सब देख करके क्योंकि सभी बेबी बहुत ही खुश होते हैं। और ये है मेरे ननद रिया जिनके बारे में वो मैं बोल रही थी बहुत देर से। नाउ शी इज लुक लाइक परफेक्ट मदर। खाना वाना ख़त्म करने के बाद हम चल पड़े थे स्टेशन की ओर और गाइस स्टेशन यहाँ से बहुत दूर है और पैदल ही चलना पड़ेगा हमें। और मुझे हर्षी के लिए बहुत बुरा लग रहा था कि वो बहुत देर से चल रही थी, बहुत मुझे बहुत बुरा लग रहा था इस सीन को देख करके गाइस। ओह फ्रेंड्स, जब पैदल चलते चलते हम लोगों की जो हालत है ऑलमोस्ट ख़राब हो चुकी है क्योंकि हम लोगों की ट्रेन बहुत हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं ट्रेन के लिए। पता नहीं हम लोगों को ट्रेन मिलेगी भी या नहीं। और स्टेशन जाने के बाद हम लोगों को पता चला कि ट्रेन एक घंटा लेट है। ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा गुस्सा आया पर क्या कर सकते हैं। तो हम स्टेशन पर ही बैठ के टाइम पास कर रहे थे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।